दुबई से तकरीबन 191 लोगों को लेकर आ रहा एयर इंडिया का विमान केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक यह विमान रनवे से फिसलने के बाद घाटी में जा गिरा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद राहत और बचाव की टीम पहुंच गई है। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां भी घटनास्थल पर मौजूद। एयर इंडिया एक्सप्रेस के आधिकारिक बयान के अनुसार हादसे का शिकार हुए विमान में बताया जा रहा है कि करीब 174 यात्री और 2 पायलट समेत क्रू के 6 सदस्य सवार थे। डीजीसीए के अनुसार हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया का विमान बोइंग 737 था। हादसे में विमान के पायलट की मौत की खबर मिल रही है। घटनास्थल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि विमान को काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद विमान के 2 टुकड़े हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपनी बात रखी है। मोदी ने 6ठी कक्षा तक मातृभाषा में सिलेबस पढ़ाने के फायदे बताए हैं। उन्होंने कहा है कि जब बच्चे अपनी बोली में अपनी पढ़ाई करेंगे तो उन्हें ये अच्छे से समझ में आएगी। इसे लेकर उनकी रुचि और भी बढ़ेगी और आगे चलकर उनका हायर एजुकेशन में इसका बेस मजबूत होगा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम योजना का शुभारंभ किया है। एमएसएमई के अंतर्गत योजना की शुरुआत की गई है। प्रदेश की जनता को योगी सरकार ने सौगात दी है। बैंकर्स कमेटी के साथ मिलकर 2 करोड़ से ज्यादा लोग बांटे। सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना के बढ़ते मामले से खासे चिंतित नजर आ रहे हैं। पश्चिमी यूपी का वो ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं, जिसके साथ ही योगी बरेली पहुंचे और अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं सीएम नोएडा भी पहुंचे, सहारनपुर का भी दौरा करने वाले हैं सीएम। सीएम योगी दौरा करने के लिए बरेली पहुंचे थे और बरेली से फिर वो गौतम बुद्ध नगर पहुंचे। बरेली का दौरा कर सीएम योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर पहुंचे हैं। कल सेक्टर 39 में कोविड अस्पताल का वो उद्घाटन करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को शपथ दिलवाई है। गौरतलब है कि राज्य के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। कल ही मुर्मू को सीएजी बनाया गया। सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ईडी के ऑफिस पहुंची, जहां ईडी ने उनसे पूछताछ की। रिया से ईडी ने तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ की है। इस पूछताछ में रिया से उनकी चल अचल संपत्ति से लेकर उनके पिछले 3 साल के ट्रांजैक्शंस और इनकम सोर्स मांगे गए हैं। उनके भाई के फर्म तक हर चीज के बारे में उनसे पूछा गया है। रिया के सीए और सुशांत के पूर्व मैनेजर भी पूछताछ के दौरान ईडी ऑफिस में मौजूद रहे। मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई। वहीं रिया के साथ उनके भाई और पिता भी ईडी दफ्तर पहुंचे। रिया से सीए और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी भी ईडी ऑफिस में मौजूद रही। रिया पर सुशांत सिंह के अकाउंट से 15 करोड़ निकालने का आरोप है और रिया पर यह आरोप सुशांत के पिता ने लगाया। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी ईडी के दफ्तर से निकल गई और उन्होंने कहा, मैंने अपना बयान दर्ज करवा दिया है और अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी। रिया से पूछताछ के दौरान उनके सीए और सुशांत के पूर्व मैनेजर श्रुति ईडी दफ्तर में भी मौजूद थे। बीएमसी ने क्वारंटीन किए गए आईपीएस विनय तिवारी को छोड़ दिया है। सुशांत केस की जांच के लिए पटना सिटी एसपी जो है मुंबई पहुंचे थे। बीएमसी ने उन्हें क्वारंटीन किया था। उनके हाथ पर 15 अगस्त तक क्वारंटीन में रहने का ठप्पा लगाया गया था। केरल के इडुक्की जिले के राजमाला में भूस्खलन के चलते दर्दनाक हादसा हुआ है। 14 मजदूरों की मौत इस हादसे में हुई है, जबकि 80 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हुए बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे में कई मजदूर लापता भी बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। 10 को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बाहर निकाला गया है, जो जिंदा रहे। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। राहत कार्य के लिए कई टीमें लगाई गई हैं।
मुंबई में बारिश काल बनकर बरस रही है। भारी बारिश के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से सड़कों पर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जलभराव के कारण लोकल ट्रेन और बस सेवाएं भी बाधित हो रही है। देश में 20 लाख के पार हुए कोरोना के आंकड़े, आज सबसे ज्यादा 62,538 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं देश में अब तक 41,585 मरीजों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। यूपी में पिछले घंटे में 2503 नए मामले सामने आए हैं। अब तक प्रदेश में 1,918 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 43,654 एक्टिव केस है। वहीं 24 घंटे के भीतर 95,000 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हुए। कोरोना लखनऊ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 664 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में लखनऊ में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है। राजधानी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 11,171 पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक 135 मरीजों की मौत लखनऊ में हुई है। लखनऊ में अभी एक्टिव केस की बात करें तो 5,035 है। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव का मंदिर कोरोना वायरस के चलते 141 दिन बाद खुल गया। मंदिर को कोविड-19 के दिशा निर्देश के तहत खोला गया है, लेकिन अभी भी मंदिर के गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। मंदिर अब से रोज मंगला आरती से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। लखनऊ में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक को भी कोरोना हुआ है। बृजेश पाठक के लिए हजरतगंज स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर उनके स्वस्थ होने के लिए हवन पूजन और सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 8,700 के पार पहुंच गई है। गुरुवार को 450 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं कोरोना से अब तक राज्यभर में 102 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा से लगी आईटीबीपी के जवानों तक कोरोना पहुंच चुका है। 35 जवानों में कोरोना की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 50 जवानों में कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव और इलाज के लिए इवरमेक्टिन टैबलेट लेने के संबंध में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने सभी जिलों के सीएमओ और सीएमएस को सर्कुलर जारी किया है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में पिछले 24 घंटे से लापता हुए कोरोना संक्रमित मरीज की लाश 24 घंटे बाद अस्पताल के शौचालय से बरामद हुई, जबकि पुलिस इधर उधर उसकी तलाश करती रही। इस घटना के बाद से जहां प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं अस्पताल प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऋषिकेश से सटे मुनि की रेती क्षेत्र में एकाएक कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से स्थानीय लोग खौफजदा हैं। महज एक दिन में मुनि की रेती स्थित शीशम झाड़ी में 21 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम की क्षेत्र में रैपिड टेस्टिंग शुरू हो गई। अलीगढ़ में जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए निजी अस्पताल के अंदर बने कोविड-19 वार्ड में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। जीवन ज्योति नाम के अस्पताल के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को दिए जाने वाले खाने में कीड़ा निकला, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्यवाही करते हुए अस्पताल से कोविड-19 वार्ड हटवा दिया गया। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के बाद सीएम आवास जाकर सीएम योगी से भी मुलाकात। लखनऊ यात्रियों के लिए परिवहन निगम ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यात्रियों के हित और सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। 10 अगस्त से बस स्टेशन पर कोरोना से बचने के लिए 6 रुपए में कॉटन का मास्क दिया जाएगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन के विकास के लिए 104 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दे दी गई है। रेलवे स्टेशन का विकास 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण के तहत आधुनिक यात्री सुविधाओं के लिए काम शुरू हो गया। रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटर संख्या जो है बढ़ाई जाएगी। वेटिंग रूम का भी विस्तार किया जाएगा। 3 वेटिंग रूम, AC रूम, फुट ओवर ब्रिज, फूड प्लाजा और दुकानें जो है वो होंगी।
बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट परिसर में लगे ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे बिजली कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है सरकार के निर्देशों का सही से पालन किया जाए और आदेश न मानने पर कार्रवाई के संकेत भी दिए। उत्तराखंड में साल 2021 में महाकुंभ का आयोजन होना है, लेकिन हाल में सामने आए कोरोना महामारी ने महाकुंभ के आयोजन को और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है, लिहाजा उत्तराखंड पुलिस ने भी महाकुंभ में अवैध सुरक्षा और कोरोना के तहत केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक तैयारियों को अभी से अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। पुलिस महकमा महाकुंभ में करीब 20,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करने की योजना फाइनल कर चुका है, जिसमें उत्तराखंड से 10,000 जबकि केंद्र और यूपी से 10,000 सुरक्षा कर्मी महाकुंभ में तैनात किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। आर्मी चीफ राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि केदारनाथ के लिए पहले फेज के काम को 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उनका कहना है कि वहां तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं, वहां भारतीय वायुसेना के बड़े प्लेन उतर सकेंगे, साथ ही जीएमवीएन गेस्ट हाउस को हटाया जाएगा। कांग्रेस ने गुरुवार से वर्चुअल सम्मेलन की शुरुआत की है, नैनीताल जिले से ये शुरुआत की गई है। वर्चुअल सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जिलेवार समीक्षा करेंगे। राज्य के सभी 13 जिलों में ये वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि वर्चुअल सम्मेलन में बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही सभी जनपदों का सम्मेलन आयोजित होने के बाद आगे की रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर बीजेपी एक तरफ जहां कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है, वहीं अब इसको लेकर कांग्रेस भी खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस नेता और अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट ने राम मंदिर बनने की खुशी पर जिले भर में जिला पंचायत की दुकानों का एक महीने का किराया माफ कर दिया है, साथ ही दुकानदार को अपने किराए को दो किश्तों में जमा कराने की सहूलियत दी जाएगी। महाराजगंज में हर्ष फायरिंग करते हुए शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। राम मंदिर शिलान्यास की खुशी में युवक ने फायरिंग की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रमेश मोदनवाल को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा। लखनऊ में पिता के पेंशन के झगड़े में देवर ने भाभी को गोली मार दी है। पीड़ित को ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। आरोपी जफर की सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है। गाजीपुर थाना क्षेत्र के शक्तिनगर पीरबाग इलाके की घटना बताई जा रही है। ब्राह्मणों को रिझाने के लिए एसपी ने दाव खेला है, परशुराम की मूर्ति लगाएगी अब समाजवादी पार्टी। यूपी की सबसे ऊंची परशुराम की मूर्ति स्थापित करने का दावा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। लखनऊ में 108 फीट ऊंची परशुराम की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। परशुराम चेतना पीठ ट्रस्ट के तहत मूर्ति स्थापित कराएगी। ग्रेटर नोएडा में अलग अलग थाना क्षेत्र में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें बादलपुर थाना पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। बादलपुर थाना क्षेत्र में रोजा फाटक के पास मुठभेड़ हुई। जारचा थाना क्षेत्र में भी मुठभेड़ हुई, जिसमें लूट करने वाला एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा में नेशनल हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कार और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हुई। कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में विद्युत विभाग के कर्मचारी की मौत की खबर मिल रही है। घटना के बाद मौके से ट्रक छोड़कर ड्राइवर जो है फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के धूम मानिकपुर पर घटना हुई। एटा में पुलिस को महंगे कपड़ों से भरे दो संदूक लावारिस अवस्था में मिले हैं। शहर कोतवाली इलाके के बराही टोला नाले के पास ये दोनों संदूक जो है वो मिले हैं। संदूकों की तलाशी के दौरान महंगे कपड़ों के अलावा पुलिस को गैस सिलेंडर की एक किताब भी मिली। दोनों संदूक चोरी के बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर में रेल बाजार थाना क्षेत्र के रेलवे मैदान में हुए दंपत्ति हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है।
वारदात के बाद मृतक के मोबाइल से एक नंबर पर कॉल की गई थी, उसके बाद नंबर को बंद कर दिया गया। ये कॉल श्याम नगर इलाके से शहर के ही एक युवक को की गई थी। पुलिस कॉल करने वाले और जिसको कॉल की गई उसकी पहचान कर ली गई। सीतापुर में सांप काटने से तीन सगे भाइयों की मौत हो गई है। आंगन में परिजनों के साथ तीनों भाई सो रहे थे, तभी सांप ने उन्हें डस लिया। तीनों मासूम बेटों की मौत से घर में कोहराम मच गया। सदरपुर थाना क्षेत्र के पिपरी गांव की घटना बताई जा रही है। हरदोई में युवक ने गुस्से में खुद की बाइक में आग लगा ली। बाइक की चाबी खो जाने से युवक जो है वो काफी नाराज था। कोतवाली देहात इलाके के कंथा थोक नीर का मामला बताया जा रहा है। गुंडा के भिखारीपुर सकरौर बांध कटने का मामला है। मंत्री अनिल राजभर बलदेव सिंह औलख ने बाढ़ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। उनके साथ प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश भी मौजूद रहे। सीएम योगी के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। विष्णुपुरा गांव के लोग बांध कटने के बाद पलायन करने पर मजबूर। आगरा में क्वारंटीन सेंटर की हैरान करने वाली तस्वीर वायरल हो रही है। आगरा के हिंदुस्तान कॉलेज में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। पीपीई किट खुले में रूम के बाहर पड़े नजर आ रहे हैं। क्वारंटीन हुए कोरोना मरीज ने गंदगी का वीडियो मोबाइल से बनाकर वायरल किया है। कानपुर में व्यापारी के घर और दुकान में लाखों की चोरी करने का मामला सामने आया है। चोर ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के रतनलाल नगर की घटना बताई जा रही है। कानपुर शहर में लकड़बग्घे के घुसने की सूचना से लोगों में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मसवानपुर इलाके में दो से तीन लकड़बग्घे देखे गए। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मसवानपुर की घटना बताई जा रही है। बागपत के बड़ौत में नशे का धंधा बढ़ता ही जा रहा है। गुराना रोड पर तीन दिन पहले नशे के धंधे का विरोध करने वाले कुछ लोगों ने उन पर हमला किया, जिससे दहशत में आकर पीड़ित लोगों ने शहर से पलायन करने का मन बना लिया। अपने मकान पर ये मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगाया। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कॉलोनी में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज से 9 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून पिथौरागढ़ बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है। जगह जगह बाढ़ के कहर के चलते लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गोंडा के विष्णुपुरा गांव के पास सकरौर बांध का करीब 50 मीटर हिस्सा नदी में समा गया, जिसके चलते घाघरा नदी का पानी गांव में घुसकर तबाही मचा रहा है। घाघरा के खतरे के निशान के पास पहुंचते ही बलिया जनपद की 4 तहसीलों के 34 गांव प्रभावित हो चुके हैं। घाघरा के बढ़ते जलस्तर और बरसात के पानी ने बांध पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वहीं तटवर्ती गांवों में पानी घुसने से रिहायशी इलाकों सहित किसानों के खेतों में भी पानी भरता जा रहा है। वहीं बलिया के जिलाधिकारी का कहना है कि बांध को बचाने और स्थानीय लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। हापुड़ में 6 साल के मासूम के अपहरण का मामला सामने आया है। कल अपहरण हुई बच्ची आज बेहोशी की हालत में मिली। वहीं बच्ची की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिनकी पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है। महाराजगंज जिले में फरेंदा कस्बे में दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई है। कस्बे में आटा चक्की का ट्रायल चल रहा था, जिस दौरान चक्की मशीन के फटने से मौके पर मौजूद 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को इलाज के लिए गोरखपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 3 की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परिजनों के द्वारा तहरीर दी जा रही है, जिसके बाद पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के चलते कानपुर कोर्ट कचहरी लगभग कई दिनों से बंद चल रहे हैं। कानपुर सीएमओ ने पुष्टि कर कचहरी को कंटेनमेंट जोन के बाहर कर दिया है और रिपोर्ट जांच जिला जज एके सिंह को सौंप दी गई है। कचहरी खोलने से पहले पूरे कचहरी परिसर में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा, जिसके बाद कानपुर कचहरी को खोला जाएगा, जिसको लेकर अधिवक्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली।